के कक्षा 10 के लिए है विज्ञान अध्याय 2 आपका चैप्टर है आय व्यय और बचत, यानी आपका चैप्टर होता है आय व्यय और बचत, यानी आय जो कुछ हम लोग कमाते हैं वो हमारी क्या होती है, आय होती है। जब हम कोई कार्य करते हैं उसके बदले जो धनराशि प्राप्त होती है वो हमारी आय होती है। दूसरा हमारा हो जाता है व्यय, जो आय हम लोग कमा कर लाते हैं उनके पैसे होते हैं और जितना हम लोग अपनी आवश्यकता को उसको खर्च करते हैं वो हमारा व्यय कहलाता है। और तीसरा होता है बचत, यानी कुल आय में से कुल व्यय को हटा देते हैं तो वो हमारा जो शेष धनराशि बचती है उसे हम लोग बचत कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको जानना है कि आय व्यय और बचत क्या होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आय का अर्थ परिभाषा, आप देखिए यहाँ पर आय का अर्थ एवं परिभाषा। तो भी आय का अर्थ आपको बताया है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ धनराशि प्राप्त होती है वो हमारी आय कहलाती है। यानी जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करने यानी कि हम सेवाओं को दूसरों को देते हैं तो सेवाओं के बदले में हमको कुछ धनराशि प्राप्त होती है वो हमारी आय कहलाती है। अब इसकी परिभाषा होती है कि किसी निश्चित समय के अंदर सेवा संपत्ति के प्रयोग के बदले में किसी निश्चित समय के अंदर सेवा और संपत्ति के प्रयोग के बदले में जो हमको धनराशि प्राप्त होती है वह हमारी आय कहलाती है। यानी अभी आपको बताया गया है कि आय का अर्थ परिभाषा, किसी निश्चित समय में सेवा और संपत्ति के बदले में जो हमारी आय को प्राप्त होती है उसे हम आय कहते हैं। आप देखेंगे आय के प्रकार, आय के भेद यानी आय के कितने प्रकार होते हैं, तो आय के भेद एक प्रकार की होती है। आय के दो भाग बांटा गया है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय वह आय कहलाती है जो हम कार्य करते हैं या अपनी सेवाओं को दूसरों को प्रदान करते हैं उससे जो उसके बदले में जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम लोग प्रत्यक्ष आय कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो द्रव्य होती है वो धन को अर्जित करती है, जब कार्य को करते हैं तो उसके बदले में हमको धन की प्राप्ति होती है उस धन को हम लोग प्रत्यक्ष आय कहते हैं। अप्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय वो कहलाती है जो हमको निःशुल्क प्राप्त होती है, यानी न तो इसके बदले में हमको कार्य करना पड़ता है न तो अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। जैसे सरकार के माध्यम से आपको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आपकी यात्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होती है वो हमारी अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। अब उसके बाद देखेंगे पारिवारिक आय के स्रोत, यानी पारिवारिक आय के स्रोत कितने स्रोत होते हैं। तो आप देखेंगे इसके 9 प्रकार के स्रोतों में विभक्त किया। सबसे पहला हो जाएगा वेतन, आपका सबसे पहला नंबर आ जाएगा वेतन। तो आप देखेंगे वेतन परिवार की आय का मुख्य स्रोत वेतन ही होता है। आप देखेंगे कि जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो पुरुष वर्ग होते हैं, या तो कहीं कहीं ऐसा भी पाया जाता है कि जो महिला वर्ग होती है अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हम दूसरों के यहाँ कार्य करते हैं तो उस कार्य के बदले में आपको प्रति माह कुछ धनराशि प्राप्त होती जो आपका वेतन कहलाता है। दूसरा हो जाएगा मजदूरी, दूसरा आपका हो जाएगा मजदूरी। मजदूरी यानी कहीं पे हम लोग जाकर किसी के यहाँ शारीरिक श्रम करते हैं और शारीरिक श्रम करने के पश्चात आपको जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम लोग मजदूरी कहते हैं। मजदूरी एक दिन का हो सकता है, दो दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, जैसा आप परिश्रम करते हैं वैसे आपको धनराशि प्राप्त होती है वो आपकी मजदूरी पर। उसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय यानी जब हम कोई व्यवसाय अपना खुद का करते हैं, जैसे आप कपड़े का व्यवसाय कर लीजिए या कोई उद्योग धंधे कर लीजिए या कोई बिजनेस कर लीजिए, तो व्यवसाय में सबसे पहले हम लोग अपनी धनराशि को लगाते हैं और जितनी हम लोग धनराशि लगाते हैं उसके बाद आप देखेंगे उसमें कि जितनी धनराशि हम लगाते हैं और
ब्याज से प्राप्त आय। जब भी हम लोग कोई ब्याज यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम किसी को धन दे देते हैं, धन के बदले हमको ब्याज हमको बढ़ा देते हैं कि आपको इतने ब्याज में फिर धन को वापस करना होता है, या हम अपने भूमि का एक टुकड़ा किसी को दे देते हैं और उसमें एक धनराशि निश्चित कर देते हैं, उस धन से भी हमको ब्याज प्राप्त होता है। या किसी सामान में किसी को जब देते हैं तो उसकी मात्रा को यानी पैसे को बढ़ा देते हैं, वो भी आपका ब्याज कहलाता है। ब्याज से भी आपकी आय की ओर बढ़ देती है। उसके बाद होता है परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। यानी परिवार द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम लोग घरेलू उद्योग धंधे यानी घर में रहकर कार्य करते हैं, हम पैसे को कमाते हैं। जैसे बहुत सारी गृहिणियां होती हैं घर में बैठी रहती हैं, तो सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, बुनाई का काम कर सकती हैं, अचार जली बनाने का काम कर सकती हैं। ये सारी चीजें हम लोग बनाकर मार्केट में बेचते हैं और जब इसको मार्केट में बेचती हैं तो इसके बदले में आपको धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार परिवार द्वारा घरेलू उद्योग धंधे के माध्यम से भी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक कृषि व्यवसाय। बहुत लोगों के पास जमीन का टुकड़ा होता है, उसमें वो खेती करते हैं। खेती करते हैं तो कुछ चीजें वो अपने खाने के लिए रख लेते हैं, उसके बाद जो शेष बचती है वो मार्केट में उसे बेच देते हैं। जब वो मार्केट में उसे बेचते हैं तो उसकी एक अच्छी रकम प्राप्त होती है जो आपकी पारिवारिक आय को बढ़ाता है। पशुपालन, आप घर में पशु को दूध भी पालते हैं, पशुओं को पालने के बाद उसे या तो लोग मटन का प्रयोग करते हैं या पशुओं को ऐसे ही बेच देते हैं, छोटे बच्चों को पालते हैं और बड़े होने पर हम लोग उसको बेच देते हैं। बेचने पर आपको धनराशि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वो हमारे आय को बढ़ाता है। कुछ लोग मटन काट का प्रयोग करते हैं, मुर्गियों को काट देते हैं, उनके अंडे को बेचते हैं, उनके बच्चों को बेचते हैं। इस प्रकार घर में आय के स्रोत बढ़ते हैं। उसके बाद है उपहार द्वारा। अगला टॉपिक है उपहार द्वारा, यानी जब कोई हमको आमंत्रित करता है, घर पे बुलाता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको उपहार के पैसे स्वरूप भेंट करते हैं। तो इस प्रकार जब हम उपहार को भी किसी के यहाँ ले जाते हैं तो उपहार के द्वारा हम लोग उसकी आय को बढ़ाते हैं। पेंशन की आय, आप देखेंगे पेंशन यानी जब कोई व्यक्ति सरकारी सर्विस या बिजनेस करता है तो कहीं ना कहीं हम उसे पेंशन रूप क्या करते हैं। जब हम अपनी नौकरी को छोड़ते हैं तो नौकरी छोड़ने के बाद या आपकी सेवा समाप्त हो जाती है तो हम लोग पेंशन यानी वो हमको एक धनराशि देता है, वो हमारी पेंशन कहलाती है। इस प्रकार के पारिवारिक आय के स्रोत होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पारिवारिक व्यय के प्रकार। अभी अब तक आप लोगों ने आय बताया, यानी जो हम लोग सेवाओं के बदले या कार्य करने के बदले जो हमारी धनराशि को प्राप्त होती है वो हमारी आय कहलाती है। अब आप पढ़े हैं पारिवारिक व्यय, यानी उसी आय में से हम लोग जो खर्च करते हैं वो हमारी व्यय कहलाती है और जो धनराशि शेष बचती है उसे हम लोग बचत कहते हैं। तो पारिवारिक व्यय के प्रकार, पारिवारिक व्यय आपके तीन प्रकार के होते हैं। पारिवारिक व्यय आपके तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है, निश्चित व्यय। नंबर एक आपका हो जाएगा निश्चित व्यय, यानी वे धनराशि जो निश्चित रूप से खर्च की जाती है उसे हम लोग निश्चित व्यय कहते हैं। जैसे बच्चों की फीस, भोजन, आप भोजन के लिए बहुत सारे सामान की जुटानी होती है और उसके बाद महीनों में बिजली का बिल और इसके अलावा आपका हो जाएगा खाने पीने की चीजों को जुटाना, तो ये निश्चित व्यय यानी आप चाहकर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो आपका निश्चित व्यय कहलाता है। दूसरा कहा जाएगा
हाँ भैया।